हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शावर मंत्रों की शक्ति में। आज इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शावर बजरंग बाण क्या होता है, शावर बजरंग बाण की पावर क्या होती है, ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है। आप सब लोगों ने सुना ही होगा बजरंग बाण के बारे में। वो बजरंग बाण है, ये सावर बजरंग बाण है, इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। आज हम आपको सावर बजरंग बाण के बारे में बताएंगे। बजरंग बाण जब हम जपते हैं तो हमारे सारे रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं और हमारा किसी तरह का पैसा अटका हुआ है वो निकल जाता है। हमारे जान और प्राण की रक्षा हमेशा वीर बजरंगी यानी कि वीर हनुमान करते हैं, जो रामदास हैं, राम भक्त हैं, रामदूत हैं, वीर हनुमान हमारी रक्षा करते हैं। अगर सबसे पहले हम जब आपको बजरंग बाण बताएंगे तो हम आपको उसकी कुछ सावधानियां, कुछ बातें भी बताएंगे कि आपको किस तरह से करना है, क्या ध्यान रखना है, किस तरह से परहेज करना है। बस हमारे साथ आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे क्लिक कर दीजिए। उसके साथ में एक बेल का आइकन होगा, उसे टच कर दीजिए ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर दें। बजरंग बाण वीर हनुमान जी का मतलब कि उनका साक्षात एक रूप माना जाता है। जब हम बजरंग बाण का जाप करते हैं तो हमें इस तरह से महसूस होता है वीर हनुमान हमारे आसपास हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे कार्यों को जो रुके हुए कार्य को बना रहे हैं। जैसे हमारे कार्यों में संकट आता है, विघ्न आता है हमारी जिंदगी में, ये सब संकटों का मोचन कर लेते हैं, तभी इसे संकट मोचन कहा जाता है। ये शावर बजरंग बाण है, गुरु गोरखनाथ जी के मुख से हुए निकले शब्द। आपको हम इसकी विधि बता देते हैं, आपको करना क्या होगा। इसे आप रोज रात्रि को जाप कीजिए। आप इसे 9 बजे के बाद देसी घी का दीपक जलाकर वीर हनुमान के, अगर आप हो सके तो रामचंद्र भगवान के साथ वीर हनुमान का चित्र हो उसे रख लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा चढ़ा दीजिए, लाल तिलक लगा दीजिए, या फिर आप हनुमान सिंदूर से तिलक कर सकते हैं। आप ज्योत जगा लीजिए, पानी का कुंभ कलश होता है उसे अपने पास रख लीजिए मिट्टी का, उसके ऊपर नारियल रख लीजिए और आप अपने पितरों का नाम लेकर, अपने कुल देवी देवताओं का नाम लेकर, उन्हें मन में ध्यान में करके और अपने गुरुदेव मंत्र जाप कर गणेश भगवान की वंदना करके, नवग्रह को स्मरण करके आप बजरंग बाण का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। आप इसे एक दिन में भी कर सकते हैं और डेली भी कर सकते हैं। अगर आप इसे डेली के लिए सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको डेली एक जाप करना होगा 40 दिन तक। अगर आप एक दिन में करना चाहते हैं तो आपको 41, या फिर अगर आप ज़्यादा पावर चाहते हैं तो आपको 108 बार इसका जाप करना होगा। अगर आप इसे 108 बार जाप करके सिद्ध कर लेते हैं तो आप एक तरह से अमर हो जाएंगे। वीर हनुमान आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, आपके कोई कार्य नहीं रुकेंगे, किसी भी तरह की परेशानी आपको जीवन में नहीं आएगी, धन दौलत की कमी नहीं होगी और कोई भी आपका कार्य रुक नहीं सकेगा, कोई भी आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। जिनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि का जाता वीर हनुमान हो, जिनकी रक्षा स्वयं वीर हनुमान कर रहे हो, उन पर कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। जो बजरंग बाण है हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा। हम आपको बोलकर ना भी बता पाए क्योंकि बहुत बड़ा है, हम आपको थोड़ा सा जप कर बता देते हैं, बाकी जो हमारा लिखा हुआ होगा ये हमारा बजरंग बाण कंप्लीट है। आप इसे जो लिखा वही सही है, इसे उतार लीजिए और इसका जाप कीजिए। शावर बजरंग बाण, घना घोर जो को प्यार हो, रोज करूं पर नाम तो का, सारा काम सिद्ध करदा श्री हनुमान। जय बजरंगी सब हितकारी, सुना प्रभु तुन विनय हमारी, अब ज्यादा ना देर करा, दुख छे भारी, शुद्ध मेरी धरा, खुर समझी के जनु समुंदर तारी, मेरे शत्रु को कर हाकारी। ये थोड़ा बड़ा है, मैं पूरा नहीं बोलकर बता पाऊंगा, जो लिखा आ रहा है ये ही सही है। आप इसे उतार लीजिए और इसका जाप कीजिए। और इसमें परहेज बाल ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना होगा, मांस मछली
मदिरापान इन चीज़ों से दूर रहना होगा। आपको स्त्री की तरफ गलत यानी कि बुरी दृष्टि नहीं डालनी, उनका सम्मान करना है, आपको किसी की चुगली निंदा नहीं करनी, आपको किसी को अपशब्द नहीं बोलने, ये परहेज है। तो आप ये कर लीजिए और हो सके तो प्याज लहसुन का परहेज रखिए, वो भी आप न खाएं जब ये साधना करें। बस आज की हमारी वीडियो में इतना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अभी लाइक शेयर कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल के आइकन को भी टच कर दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।